चलो ध्यान से जाना है और अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी। ठीक है। पेट दर्द, पीरियड्स तो नहीं आने वाले? ओए माँ। डेट देख लूँ। हाय पीरियड्स आने वाले मेरे को तो। बच्चों के पापा भी नहीं है घर पे, पैड खत्म हो रहे मेरे तो। लगता है बच्चों से ही मंगवाने पड़ेंगे। नैन्सी। हाँ मम्मी। इधर आइयो बेटा। हाँ मम्मी क्या हुआ? एक काम कर, मेरा सामान लिया केमिस्ट्री जाके। मम्मी यार मेरे को क्यों भेज दो? आप हर टाइम सारे काम मेरे से ही करवाते हो। बड़ी हूँ तो क्या हो गया, रौनक को भेज दो ना आप। चुप कर, लिया जाके। ये ले पैसे, एक पैकेट पैड का ले आइयो 30 रुपए वाला, ज्यादा नहीं। दो केले ले आइयो, दो सेब ले आइयो और एक पपीता याद से ले आइयो बस। पैड? मम्मी आपको पीरियड्स होने वाले है क्या? हाँ मेरे को पीरियड्स होने वाले हैं। चलो ठीक है, मैं सारा सामान ले आती हूँ। देख रही हूँ मम्मी मैं, अच्छे दिख रहा है सब कुछ। आप ना अपनी दोनों बेटियों में और अपने बेटे में भेदभाव करते हो। आपने उसको 300 रुपए दिए, 300 रुपए। बताओ मेरे को कभी दिया आपने 300 रुपए? मेरे को नहीं पता, मुझे भी पैसे दो। चीज खाने जा रही है ना ये? चुप कर, मेरा सामान लेने जा रही है वो। तो मम्मी सामान आपका मैं नहीं लेके आ सकता, इसी को जाना जरूरी है। मैं भी जाऊंगा इसके साथ, चलो मैं भी चलूंगा। हाँ चला, चल ले मेरे साथ। टेलर आंटी के पास जा रही हूँ मम्मी के सूट उठाने के लिए। 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आजा चल। अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, तू ही चली जा। अरे दीदी तू कहाँ जा रही है? वो भी 300 रुपए लेके? जरूर मम्मा ने तेरे को पैसे दिए होंगे। चिप्स खाने जा रही है ना तू? दोनों भाई बहन एक जैसे। अरे मैं चिप्स विप्स लेने नहीं जा रही, कुछ और सामान लेने जा रही हूँ। नहीं तू ना झूठ बोल रही है, तू अकेले अकेले चिप्स खाने जा रही है, हमें भी नहीं खिलाएगी तू, झूठी। अरे चिप्स लेने नहीं जा रही मैं, इधर मम्मी को ना पीरियड्स हो गए, पैड लेने जा रही हूँ उनके लिए। मम्मी को पीरियड्स हो गए? अच्छा चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। तू क्या करेगी जाके, अभी तो खेल के आई है, बाहर देख कितनी धूप हो रही है। मैं चली जाऊंगी, तू जान दे तू। हाँ दीदी प्लीज चलने दो ना। चल ठीक है चल, ये बैट रखा। ये लो भैया, ये सब पैक कर दो। चलो फ्रूट्स तो सारे आ गए, अब चलते हैं केमिस्ट के पास। दीदी मैं तो थक गई, मेरे को घर जाना है। और आजा, मैंने तो मना किया था ना कि बहुत धूप हो रही है, मत चल, तेरे को ही चलना था। चलो भैया एक 30 रुपए वाले पैड का पैकेट दे दो। पैड का पैकेट? तुम तो बच्चे हो, तुम पैड का क्या करोगे? मम्मी ने मंगवाया है, आपसे जितना बोला उतना कर दो ना। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करे जा रहे हो, सब जानना है इनको। अरे बच्चों 30 रुपए वाले का क्या करोगे? 30 रुपए वाला बहुत गंदा है, हमारे पास 100 रुपए वाला है। उसकी एड तो शाहरुख खान ने भी कर रखी है और वो प्योर कॉटन से बना हुआ है। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा होता है, उससे बीमारियां भी नहीं होती, बहुत हाइजीनिक होता है। ठीक है वही वाला दे दो, अच्छे वाला। ये लो। कितने का है भैया ये? 100 रुपए का। 100 रुपए? मैंने तो 30 रुपए दिए। पर दीदी अब क्या करेंगे? एक काम कर, तेरे पॉकेट मनी से पैसे बचे होंगे ना, वो दे दे। मैं नहीं दूंगी, मेरे हैं वो, मैं कुछ चिप्स खाने हैं। क्या है कर रही है? मम्मी ने दिए ना पॉकेट मनी, मम्मी के लिए इतना तो कर ही सकते है ना। दे ये लो, 100 रुपए है मेरे पास। चल ठीक है, 50 रुपए मेरे पास है, 100 रुपए हो जाएंगे पूरे। ये लो भैया, देखा पॉकेट मनी बचाना कितना काम आता है, हमेशा बचाया कर।
ठीक है भैया। कहाँ रह गए बच्चे? मम्मी आ गए तुम? हाँ मम्मी, ये लो आपका सारा सामान। ये तेरे साथ गई थी? मैं कब से वेट कर रही हूँ, अब आएगी खेल के। हाँ मम्मी, ये मेरे को बाहर ही मिल गई थी, जिद करने लगी कि दीदी मैं भी तेरे साथ चलूंगी, इसलिए मैं अपने साथ ले गई थी इसको। ठीक है, सब ले आए तुम तो। चला जा, अंदर चलेंगे। मम्मी को क्या हो गया, झाड़ू लगाते लगाते एकदम अंदर चली गई? पता नहीं। हाँ कुछ काम होगा मम्मी को। अब डिस्टर्ब मत कर, ये मिस हो जाएगा। ओए मम्मी अभी तक नहीं आई। जादू देखा? देख के आती हूँ। मम्मी क्या हुआ आपको, एकदम से अंदर क्यों आ गए आप? बेटा मेरे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? रुको मैं भी आती हूँ। काव्या इधर आ, जल्दी आ। तू क्यों आया, तेरे को बुलाया मैंने? भाई क्या कर रहे हो तुम, मैं भी आऊंगा। चुप कर तू, कुछ काम कर रहे हैं हम लोग, आ जा काव्या। मैं भी आऊंगा, पता नहीं क्या किस डिब्बे पकाए जा रहे हो। हट दीदी तू। रुक जा, वो देख तेरा सारा का सारा शो निकल गया। शो? मम्मी खिचड़ी, मैं तो शो देखने जा रहा हूँ, कर लो जो करना है। मम्मी मम्मी को ना पीरियड्स वाला पेन हो रहा है बहुत ज्यादा। हम क्या करेंगे दीदी? तू एक काम कर, मैंने ना रील्स में देखा है जब भी पीरियड्स वाला पेन होता है ना तो गर्म पानी से सेक करते हैं, तो उसमें ना हॉट वाटर वाली बॉटल रखी हुई है इलेक्ट्रिक, उसको तो गर्म करने के लिए लगा दे। मैं मम्मी के लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, अच्छा अच्छा खाने से भी ना पेन दर्द कम हो जाता है। ठीक है मम्मी, हम लोग अभी आ रहे हैं, आप आराम करो तब तक। अरे बच्चों तुम परेशान मत हो, मैं हो जाऊंगी थोड़ी देर में ठीक, जाके तुम अपना टीवी देख लो, कोई बात नहीं। नहीं मम्मी, हम दोनों है ना, हम आपको ठीक कर देंगे। हाँ मम्मी आप आराम करो। मम्मी थोड़ा सा उठ के बैठो। अरे बच्चों तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैं ले लेती है। क्यों मम्मी, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो आप भी तो हमारे सारे काम करते हो ना, तो अब हम कर देंगे। ये लो आप खाओ। काव्या तुम मम्मी का पेट सेक दे। आप परेशान मत हो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। बस बेटा और नहीं खाना। मम्मी 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 क्या हुआ आपको? बेटा बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ठीक नहीं होगा ये खाने पीने से, तो
तू जाके केमिस्ट से दवाई लिया पेन की। ठीक है मम्मी, मैं दवाई लेके आती हूँ। काव्या तुम मम्मी का पेट सेकती रहे और ये खिला दियो, मैं दवाई लेके आती हूँ। मम्मी मैं भी आ रही हूँ। गोली दे दो। आराम से बताओ कौन सा पेट दर्द है? पेट्स वाला। तेज है या कम? बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है, ये वाली दवाई ले दो। ठीक है भैया, कितने पैसे का है? 50 रुपए की। ये लो भैया। मम्मी ये देखो, ये वाली दवाई दी है भैया ने। पानी। काव्या जा मम्मी के लिए पानी लिया। हाँ। लाओ मम्मी। मम्मी अब आप ठीक हो ना? सो जाओ आप थोड़ी देर। देख रही है काव्या कितना दर्द होता है, लेकिन हम दोनों को भी झेलना पड़ेगा ये सब कुछ। हाँ दीदी, हम क्या करेंगे फिर, मुझे तो देख के डर लग रहा है। मम्मी ठीक हो अब? हाँ अब आराम है। चलो मैं घर के काम कर देती हूँ, सुबह से घर फैला हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना है। अरे मम्मी तो क्या हो गया, काम ही तो है, हम तीनों मिलके कर लेंगे सारा काम, है ना काव्या? हाँ, और मम्मी वैसे भी ना हम बहुत यूट्यूब और रील चलाते हैं, उसमें ना सब आ जाता है, तो आप आराम से रेस्ट करो, दीदी और मैं ना सब कर देंगे। तुम सब कैसे कर लोगे, आज तक तो तुमने काम किया है नहीं और पापा भी नहीं है हेल्प कराने के लिए। अरे मम्मी आप चिंता मत करो, हम लोग सब कर लेंगे। तो क्या हो गया मम्मी, आप रेस्ट करो, हम सब कर लेंगे, आप सो जाओ। अब आप सो जाओ थोड़ी देर। ठीक है। ठीक है मम्मी हम जा रहे हैं। पता नहीं क्या करेंगे बच्चे भी। आजा बंद करती हूँ गेट। रौनक उठ जा, आज हमें घर का सारा काम करना है। घर का काम मैं नहीं करूँगा, घर का काम वाम मैं लड़का हूँ वैसे भी, मम्मी कर लेगी अपने आप। क्यों तू क्यों नहीं करेगा, लड़के भी करते हैं घर का काम, दीदी बोलो ना इसको। मम्मी नहीं कर सकते, मम्मी के पैर में मोच आ गई है, हमें ही करना पड़ेगा, चल उठ जा। हाँ तो तुम दोनों लड़कियाँ किस दिन काम आओगी, तुम्हें तो वैसे भी अगले घर जाना, तुम कर लो। अच्छा बताओ तेरे को जुबान लड़ा रहे, बोल दिया ना काम करना है तो करना है, उठ जा जल्दी। दोनों के दोनों हर टाइम लड़ते रहते हैं बस। अब एक काम करते हैं, तू लगा दे पोछा, मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और काव्य तू थोड़े से बर्तन रखे होंगे बर्तन धो दे, ठीक है? और फिर तीनों को मिलके खाना बनाना है। मन तो नहीं है लेकिन कर लूंगा, कोई नहीं, चल करो जल्दी सारे।
की पैर किसने करती है? पक्का नैन्सी या काव्या में से किसी का काम होगा, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। हो गया साहब, फिर से निशान हो गए। अब तो नैन्सी या काव्या कोई भी नहीं आया, कहीं मेरी तो पैर गंदे नहीं है। डायपर? हमारे घर में डायपर कौन बच्चा यूज करता है? काव्या तो डायपर यूज करती है। काव्या निकल, दीदी आपको शर्म नहीं आती? आप इतने बड़े हो गए, अब भी पैंट में मूतते हो आप। पागल है क्या? मेरा नहीं है वो, मैं क्यों डायपर यूज करूंगी? बेवकूफ कुछ भी बोलता रहता है। आपका भी नहीं है, काव्या का भी नहीं है। मम्मी आप डायपर यूज करते हो? छी छी छी। इधर आ बैठ यहाँ पे, और तुम दोनों भी आओ। ये डायपर नहीं है, ये सैनिटरी पैड है। सैनिटरी पैड? वो क्या होता है मम्मी? ये लड़कियां यूज करती हैं, क्योंकि एक एज में आके जब लड़कियों के अंदर डेवलपमेंट होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनके अंदर से इम्प्योर ब्लड निकलता है, उसके लिए यूज किया जाता है। ऐसा भी होता है? और ये अराउंड 5 डेज तक चलते हैं, जिसमें बहुत पेन भी होता है, क्लॉटिंग्स भी होती हैं, और मूड स्विंग्स भी होते हैं। समझ गया मम्मी जी मैं। हाँ, तो इसको पीरियड्स कहते हैं, ठीक है? और इस चीज़ की हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान की देन है, मतलब नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी लड़की मिले जो नीड में हो, उसकी मदद ज़रूर करना, उसे जज नहीं करना कभी। ठीक है मम्मी। आपको पता है इन दोनों ने मेरे को क्या बोला? मम्मी के ना पैरों में चोट लग गई। जो हिम्मत बोल मोटे। चुप कर मम्मी, वो तो हमने इसलिए बोला था क्योंकि इसको सच नहीं बता सकते थे ना। मम्मी हमने ना सारी साफ सफाई कर ली है, बस खाना ही बचा है बनाना। चलो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं। कितने समझदार बच्चे हो गए मेरे। काम करना पड़ रहा है, पापा भी नहीं है। दीदी आपने एकदम सही कह रहे हो, पापा ना बहुत तेज है, उनको ना सब बताएगा कि कुछ होने वाला है। वो पहले ही पक गए हमें अकेला छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे। सही कह रहे तू,
मम्मी पापा से इतना काम करवाती है, रोज ट्रेनिंग देती थी, अब समझी मैं क्यों ट्रेनिंग देती थी कि कभी ना कभी जरूरत पड़ जाएगी, और पापा ऐसे मौके पे ही भाग गए। दीदी आपको पता है मेरे हाथ भी घिस गए बर्तन धोते धोते, अब मैं रील्स कैसे बनाऊंगी। मेरा तो पूरा शरीर दुख रहा है काम करके। अच्छा मोटे तूने किया ही किया झूठे। मैं तो जा रही हूँ सोने, थक गई मैं तो बहुत। मैं भी। अच्छे से लगाइयो, बाहर मत निकालियो। ओए मेरे भी लगा दो ना। तू पागल है क्या? मोटा कहीं का। अरे लगा देना, देख कितना मस्त लगूंगा मैं, कलर भी प्यारा है। लड़की है क्या तू? मस्त लगेगा नहीं फिर लगेगी। तुम लगाओ ना लो। क्या कर रहे हो तीनों तुम? पढ़ाई नहीं करनी होती? सारा दिन बस यही पढ़े रहते हो? ये महारानी फैशन में लगी हुई है, तू गेम खेले जा रहा है, कभी टीवी देख लोगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी? पढ़ाई लिखाई अभी तो पढ़ के आए मम्मी 2 घंटे, आपने ही तो कहा था कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करके अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हमें। ऐसा है मेरे से ना बहस करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाके पढ़ाई करो, पूरा दिन गेम फैशन पता नहीं क्या क्या। मम्मी हमने तो अपना होमवर्क भी कर लिया। हाँ तो कोई बात नहीं, होमवर्क कर लिया तो रिवीजन करो पुराने चैप्टर्स की। चलो खड़े हो। यार क्या हो गया एकदम से मम्मी को? मूड स्विंग्स, पीरियड्स में ना मूड स्विंग्स होते हैं, मम्मी के ये मूड स्विंग्स ही है। चलो अंदर नहीं मारेंगी। 2 hours later. अरे मारना बंदा आ रहा है सामने से। अरे तू मार ले। तू भी मारना मोटे। किसी काम का नहीं है ये। मार तो रहा हूँ। देख तेरे पीछे, देख तेरे पीछे आ रहे हैं। जल्दी कर जल्दी। एक नॉक। अच्छा। अरे यार कौन चले गए तुम लोग? हे भगवान। पूरा दिन माँ को परेशान करते रहो, तोड़ फोड़ मचाते रहो, कुछ भी नहीं करना, लिखना पढ़ना कुछ नहीं। मम्मी ग्लास तो गिरा है। चुप, एक और लगाऊंगी वरना। मम्मी अपना तो गिराया भी नहीं ना, इसलिए आया। तेरे उधर बेटा, इसको मारते। आह चुप करो बदतमीज, बड़ी बहन को मार रहे, मेरी वजह से नहीं हुआ ये, मूड स्विंग्स की वजह से हो रहा है। तो मम्मी गुस्से में है, और ना अगर कुछ भी हमने शैतानी करी ना, मार मार के भरता बना देंगी हमारा। काटा लग गया। और इस बार तो आपने कप ही तोड़ दिया। मैं क्या करूं यार, गलती से हाथ से छूट गया मेरे कप, भगवान बचा लो प्लीज। अरे महादेव भगवान। मम्मी हम, मैंने नहीं करा कुछ भी, ये तो इस रौनक ने तोड़ दिया कप। मम्मी मैंने नहीं तोड़ा, काव्या ने तोड़ा है। मम्मी इसने तोड़ा है। हां मम्मी इसी ने तोड़ा है। इसने 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 मैं इसने इसने, इसने। मैंने नहीं तोड़ा, मम्मी इन्होंने तोड़ा। इसने तोड़ा। एक कप ही तो टूटा है, बेचारे की किस्मत खराब थी आज टूट गया। क्या हो गया इतना डर क्यों रहे हो? कोई नहीं मैं तोड़ देती हूँ, लाओ मैं दिखाती हूँ तुम्हें तोड़ के कैसे कप तोड़ते हैं। खामखा ही डर रहे थे, पुराना हो गया टूट गया नए आ जाएंगे।
बच्चे हो तुम मेरे, कब ज्यादा जरूरी थोड़ी है तुमसे। काम खाई डरते रहते हैं यार। ये हमारी मम्मी थी क्या? दीदी मम्मा ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? बताया था ना मूड स्विंग्स। चलो आज ये पीरियड्स ने मेरे को बचा लिया हम सबको। अरे मम्मी क्यों रो रहे हो, इतनी देर से बता तो दो मुझे। मेरी पता मैं क्यों रो रही हूँ। मम्मी देखो गलत बात है, आपको पक्का पापा की याद आ रही है ना? बस रोना है मम्मी, आपको रोता हुआ देख के हमें भी रोना आ रहा है। जब आ जाएगा कितना रोगे। अरे यार सुबह सुबह उठ के काम करो, अब फिर कब खत्म होगा ये? फिर से झाड़ू लगाओ, फिर से बर्तन धो दीदी। अब ऑन नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा दीदी। करना तो पड़ेगा ना, चलो काम पे लग जाओ। मम्मी आप ठीक हो गए? हाँ मैं ठीक हो गई। बच्चों मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत खुश हुई, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा बच्चे होते हुए भी। तो तुम्हें मिलते हैं पूरे 200 रुपए। ये ले, ये ले। 200 रुपए मिलने? अरे ठीक है चीज खा लेना और पार्टी कर लेना, जाओ। चलो सही है, फिर सब होते इसको। चलो चलो चलो। झाड़ू, पैसे, झाड़ू कहाँ गई? पैसे दिए, बच्चे गए, झाड़ू। मम्मी आप कहाँ जा रहे हो? मैं वो यूज पैड्स है उनको डस्टबिन में डालने जा रही हूँ। तो फेंक दो ना अंदर ही घर में। यहीं क्यों फेंक दूँ, पता है इसमें कितने जर्म्स होते हैं? ऐसे खुले में फेंकूंगी ना तो कितनी सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। हमेशा यूज्ड पैड्स को डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, वो भी अच्छे से किसी चीज में रैप करके या पैक करके, और ना ही किसी के घर के आगे खुले प्लॉट में और कोई भी खुली जगह हो कहीं नहीं फेंकना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है, हमेशा डस्टबिन में जाके ही थ्रो करो। और तुम दोनों लड़कियां सीख लो इस चीज को अच्छे से, आगे जाके काम आएगा तुम्हारे ही। और तुम रौनक कोई दिखे ना ऐसा काम करते हुए उसे मना कर देना और समझाना कि खुले में नहीं फेंकते। ठीक है मम्मी समझ गए। पिज्जा खाओगे आप? नहीं तुम खाओ। बाट के खाएंगे। देखा मम्मी की सेवा करने का पिज्जा भी मिलता है। अब से ऐसी क्या करेंगे मम्मी की सेवा।